ग्वालियर शहर की महापौर शोभा सिंह शुक्रवार एक अलग अंदाज में अपना बजट पेश करने जल विहार स्थित महापौर कार्यालय पहुंची। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के अधिकांश पार्षद भी मौजूद रहे। खास बात यह रही कि 57 साल के इतिहास में पहली बार कोई महापौर अपना बजट पेश करने घर से परिषद में ई रिक्शा से पहुंचा। हालांकि ई रिक्शा से सफर करने की वजह भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल ग्वालियर नगर निगम की वित्तीय हालत ठीक नहीं है, वे अपनी सरकारी गाड़ी भी वापस कर चुकी हैं। आज टमटम से आने का जो हमारा उद्देश्य था वो सीधा सीधा है कि हमारे नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण कुछ दिन पहले मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी थी। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि नगर निगम में जो फंड दिया जाता है वो दिया जाए, जैसे कि अभी चुंगी क्षतिपूर्ति, मुद्रांक शुल्क और कायाकल्प का जो पैसा है वो अभी पूरी तरीके से नहीं आया है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि कर्मचारियों का पेमेंट नहीं दिया जा रहा, ठेकेदारों का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वो काम करने को तैयार नहीं है। और क्योंकि जनता ने जो हमें विश्वास अपने मतों के द्वारा दिया है, तो हमारा भी कुछ फर्ज है कि हम उनके मतों का सम्मान रखें और उनके कार्यों को पूरी तरीके से करें।